हेलो दोस्तों, कुडकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्वत और गुफा वाला बड़ा दरबार हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसको मैं बनाने वाली हूँ अपने पूजा घर के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जगह मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर बैकड्रॉप में मैं कुछ ये फूलों की मालाएँ और कुछ पत्तों की जो स्ट्रिंग्स आती हैं उनको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर अपना बैकड्रॉप लगाने वाली थी जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, पर वो उससे काफ़ी जगह घिर रही थी तो मैंने इसलिए डायरेक्ट टाइल्स पर चिपका दिया। यहाँ पर टाइल्स हैं तो टाइल्स पर चिपकाना काफ़ी ईजी रहता है, ग्लूगन से ही मैंने इनको चिपका दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं गत्ते के 7-8 डब्बे। तो सबसे पहले मैंने 4 डब्बों को यहाँ पर इस तरीके से लगाया, उसके आगे मैंने 2 डब्बों को रख दिया है और उसके बराबर में एक डब्बा रख दिया है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इन्हें ग्लू गन से चिपका दिया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास कुछ गत्ते के रोल थे तो इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। देखिए, तीन तीन एक एक साइज़ के काट लिए हैं। ये सभी हमें दो दो बनाने पड़ेंगे, मतलब जैसे ये इस साइज़ का हम एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, एक हमें और बनाना है। तो इस तरीके से हमें इनका ये ट्रायंगल जैसा सा बना लेना है। तो तीन साइज़ मैंने यहाँ पर बनाए हैं, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे भी छोटा। तो इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे ट्राइंगल्स को बनाकर जो है तैयार कर लूँगी और उसके बाद अब हम अपने गत्तों के डब्बे पर इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। इनकी लेग्स को भी मैं यहाँ पर अच्छे से ग्लू गन्स चिपका रही हूँ और इस तरीके से देखिए मैंने ये अपने सारे के सारे ट्रायंगल गत्तों के डब्बे पर लगा लिए हैं। हर एक पर एक एक लगाया है और किसी किसी पर दो भी लगाए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर की एक धोती ली है। धोती जो है आपकी या तो नई होनी चाहिए या एकदम धुली हुई प्रेस करी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए धोती को हम इस तरीके से इस जो अपने ट्रायंगल हैं उनके ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। सारे के सारे ट्रायंगल्स को हमें ढक देना है और जो बीच वाला पार्ट है, जो खाली जगह है, वहाँ पर हमें अपनी धोती को जो है बिल्कुल समतल कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये एक तरफ के 6 डब्बे जो हैं इससे कवर हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने फिर वाइट कलर की चुन्नी से इसको ढक दिया है और अब नीचे के गत्ते जो हमारे चमक रहे हैं वहाँ पर मेरे पास ये फर का एक टुकड़ा था, इसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई वाइट कलर का कपड़ा है तो आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। हालाँकि मेरा ये छोटा है तो मैंने साइड्स में फिर गत्ते के डब्बे को छुपाने के लिए यहाँ पर कुछ पत्ते भी लगा दिए थे। दूसरी साइड की वाइट चुन्नी थोड़ी कम हल्की थी तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक और चुन्नी डालकर और वो वाला गत्ते के डब्बे को भी आगे से इस तरीके से छुपा दिया है। और ये देखिए बीचों बीच रख दिया यहाँ पर मैंने गुफा। ये नवरात्रों में गुफा जो है मैंने आपको पिछले साल बनानी सिखाई थी तो उसी गुफा का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये जो मैंने आपको कमल वाले आसन जो हैं अब की बार सिखाए थे तो इसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गुफा का भी और जो भी चीज़ें इस वीडियो में यूज़ हो रही हैं सबका लिंक दे दूँगी। अब यहाँ पर बीच में मैंने लिया है एक बोर्ड और उसके ऊपर मैं एक रेड कलर का कपड़ा चिपका कर उसके बीचों बीच यहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपनी सांझी, क्योंकि मेरी सांझी बड़ी है तो वो गुफा के अंदर नहीं आ सकती। अगर आपकी सांझी छोटी है या आप छोटी देवी की पूजा कर रहे हैं तो आप गुफा के अंदर भी उसको रख सकते हैं। यहाँ पर मैं गुफा के आगे कुछ लगा रही हूँ गुलाब के फूल। और देखिए इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे जो कमल के आसन हैं उनको अपने पहाड़ों के आगे अरेंज कर दिया है और जो अपनी गुफा है उसके आगे कुछ गुलाब के फूल और कुछ छोटे छोटे पेड़ लगा दिए हैं। आगे जो रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ बोर्ड है उसके आगे भी मैं कुछ छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप कहीं कहीं पर इन चीज़ों को लगाकर लुक दे सकते हैं। छोटे छोटे से जानवर जो बच्चों के खेलने के लिए आते हैं वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कहीं कहीं पे। तो यहाँ पर आप जो भी धोती या जो भी वाइट कलर का कपड़ा यूज़ करें तो ये बात को ध्यान में रखें कि वो फिर पहनने के लिए यूज़ ना करें। और ये देखिए, ये मैंने आपको कलश कलर करने सिखाए थे अभी इसी बार की वीडियो में और ये हमने नोरते बोने के लिए एक पात्र जो है उसको भी कलर करके तैयार कर लिया है। ये सांझी का भाई है जो मार्केट से मिलते हैं ये सब चीज़ें, सांझी का भाई है। ये टिकड़ी है, इनको हम 5, 7 या 11 इस तरीके से लगाते हैं। ये सूरज और चांद हैं, ये सब चीज़ें सांझी के साथ ही मिलती हैं और उसी के साथ ये लगाई जाती हैं और उसी के साथ इसको सिलाया भी जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको डेकोरेट करने के लिए एक प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। इस प्लेट के ऊपर मैंने रेड कलर का ऑयल पेंट किया हुआ है और उसके चारों तरफ मैंने गोल्डन कलर की एक लेस लगा ली है और इसके ऊपर अब हम अपने सारे चांद, सूरज और जितनी भी हमारी 5 टिकड़ियाँ हैं उनको हम यहाँ पर लगा लेंगे। आप प्लेट की जगह यहाँ पर गत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। सांझी जब लगाते हैं तो उसके साथ ही गोबर के 9 नौरते भी बनाए जाते हैं तो उन 9 नौरतों को रखने के लिए भी एक
जो है चीज़ हमें चाहिएगी। तो यहाँ पर उसके लिए मैं गत्ते का यूज़ कर रही हूँ। गत्ते के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का ये एक पेपर जो है उसको स्टिक कर लिया है, और उसके चारों तरफ भी हम गोल्डन कलर की एक लेस जो है उसको लगा देंगे। और ये लगाकर मैं अभी अपने दरबार के पास रख लूँगी, और जब हम सांझी लगाएंगे अमावस्या वाले दिन, तो तभी वो गोबर के नोड़ते भी बनाकर इस पर रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक थिक कार्डबोर्ड की शीट से, जैसे हमने छोटे जो आसन बनाए थे उसमें कमल का फूल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक बड़ा कमल का फूल बना लिया है। और इसको हम लगाएंगे अपने जो हमने बोर्ड पे लाल कपड़ा लगा कर रखा है वहाँ पर। वहाँ पर आप छोटा सा एक कलश देख रहे होंगे, तो वो मैंने इसलिए रखा है कि ताकि आपको पता रहे कि वहाँ पर हम अपनी सांझी रखेंगे। तो इसके आगे देखिए, मैंने ये बड़े वाला कमल का फूल इस तरीके से चिपका दिया है। और जो नीचे हमने फर का एक टुकड़ा लगाया था, उसके नीचे भी मैंने गत्ता और एक प्लाई का पीस लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने अपने दो जो देवी के आसन हैं उनको लगाया हुआ है। बीच में हम अपनी ये टिकड़ी और तोते वाली प्लेट को लगा देंगे, और इसके नीचे हम फूलों की एक माला को इस तरीके से लगा देंगे। अभी मैं आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लगा कर दिखा रही हूँ। और इसके आगे देखिए, हमने छोटे छोटे से खेल खिलौने रख दिए हैं। इसके बराबर में मैंने यहाँ पर एक मैट बिछा कर उसके ऊपर ग्रीन कलर का ग्रास पैड बिछा दिया है। इसके पास हमने अपना नौड़ते रखने वाला जो गोबर के बनेंगे वो जो गत्ता है उसको रख दिया है, और साथ ही कलश और नौड़ते बोने का पात्र भी रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक गैंग बॉक्स लगाया हुआ है लाइटिंग के लिए। तो उसको छिपाने के लिए यहाँ पर मैं छोटा सा एक प्लांटर रख रही हूँ। और अब देखिए, ये हैं हमारी अष्ट देवी जो मैंने आपको पहले बनानी सिखाई हुई हैं। और इन्हीं अष्ट देवियों के लिए अब की बार मैंने ये कमल के फूल वाले सिंहासन जो है उनको बनाए हैं। तो सारी की सारी देवियों को मैंने उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। और जो हमारी गुफा है वो भी खाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो वहाँ में मैंने प्रतीक स्वरूप एक छोटी सी दुर्गा देवी की जो है मूर्ति लगा दी है। आप चाहे तो कोई पेपर पे जो आती हैं दुर्गा देवी, उसको भी कटिंग करके वहाँ पर लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने एक पैड बिछा दिया है, और उसके ऊपर चौकी और पूजा की थाली को रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा दरबार जो है हम तैयार कर सकते हैं। सांझी अभी मैंने यहाँ पर नहीं रखी है, ना सांझी का भाई मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि वो हम अमावस्या वाले दिन ही स्थापित करते हैं। तो जब मैं वो सांझी स्थापित करूँगी, तो तब भी मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें लगा देंगे हम कुछ लाइट्स, जिससे कि इसका लुक जो है बहुत ही सुंदर लगेगा। अच्छा, एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, अगर आप लाइट लगाते हैं स्ट्रिंग लाइट्स, तो कॉटन बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो मैंने भी यहाँ पर पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चोटी पर बस थोड़ी थोड़ी सी कॉटन लगाई है, बाकी कपड़े पर स्ट्रिंग लाइट फिर भी चल जाती है। स्ट्रिंग लाइट बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको इस बार का मेरी नवरात्रि डेकोरेशन का आइडिया जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस बार अपनी नवरात्रि में? अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।